language profession. सलाम नमस्ते हेलो केम छो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीए भाई पीयूष सर पे तो दोस्तों सुबह हो चुकी है और आपके लिए शानदार जानदार सबसे तेज सबसे पहले सबसे ज्यादा करेंट अफेयर लेकर के आपके पीयूष सर आ चुके हैं तो फटाफट से सेशन को एक बार दबा के शेयर कर दीजिए दोस्तों जहां तक आप पहुंचा सकते हैं और दोस्तों आपको पता है कि इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा और अब आपका एग्ज़ाम में कुछ नहीं छूटेगा ये बात तो गारंटीड है यानी बहुत सारे करंट अफेयर्स होने वाले हैं करीब दोस्तों 12 तारीख से लेके 14 तारीख तक के करंट अफेयर आज हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों आइए चले शुरू करते हैं बिना किसी दोस्तों टाइम को वेस्ट किए हुए आइए दोस्तों जो है यहाँ पे टेलीग्राम को आप लोग हमारे ज्वाइन कर सकते हैं जी ए बाई प्यूसर टेलीग्राम पे जहाँ पे आपको लेक्चर के लिंक्स क्विजेज बच्चों के साथ ग्रुप स्टडी और दोस्तों बहुत सारी करेंट अफेयर्स के अपडेट्स मिलते हैं लिंक्स मिलते हैं आपको दोस्तों लेक्चर्स के और पी डी एफ बीस डेली करेंट अफेयर का यहाँ पर मिलता है जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें क्योंकि ये है जी ए जी के जी और करंट अफेयर का वन स्टॉप सेंटर वन स्टॉप सेंटर दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स हो या फिर हो दोस्तों सिक्स मंथ करंट अफेयर्स इंश्योरेंस मार्केट अवेयरनेस दोस्तों शाम को छह बजे ये क्लास भी होती है ताबड़तोड़ तरीके से आज से हम लोग बेस्ट टू हंड्रेड भी शुरू कर रहे हैं दोस्तों बेस्ट टू हंड्रेड करेंट अफेयर्स आज रात को नौ बजे से स्टार्ट हो रहा है जिसकी आप लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे तो मैंने कहा था एग्जामिनेशन कोई आने दो मैं जो है बेस्ट टू हंड्रेड तुम लोग को पढ़ा दूंगा दोस्तों गेम चेंजर बैच है एल आई सी एडीओ वाले एल आई सी एओ वाले और बैंकिंग एस्पेरेंट इसको देख डालिए ये 58 एट लेक्चर्स है चैप्टर वाइज पूरे आपके लिए दोस्तों इसमें वरदान है ठीक है और अभी देख डालो क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट समझने का समय है अभी जब एग्जामिनेशन नहीं है बैंकिंग वालों के तो फाउंडेशन कोर्स जो है इस समय आप करिए ये फ्री बैच है जो आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है वरना हज़ार रुपये दे के बाद में आपको करना पड़ता है, है कि नहीं जो अभी आपके लिए बिल्कुल फ्री है तो उसको फ्री मत समझिएगा ठीक है क्योंकि इसके लिए आप हजारों रुपए दे के भी इतनी डेप्थ नॉलेज नहीं ले सकते हैं स्टेटिक जी के जी के सारे चीजें यहाँ पे अवेलेबल है पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है मंथली करंट अफेयर कल हम लोग की जनवरी की कंप्लीट हो गई दोस्तों तो कल रात को भी नौ बजे हम लोगों ने जनवरी मंथली करंट अफेयर किया था तो कंप्लीट हो गया आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर शो को अमेरिकी राज मैसाचुसेट्स में, में जिला अदालत के पहले महिला न्यायाधीश के रूप में दोस्तों किसने शपथ ली है वो है स्टेक ओथ एज द फर्स्ट जस्टिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन द यूएस स्टेट ऑफ मैसाचुसेट्स तो दोस्तों जो है तेजल मेहता दोस्तों जो है अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स में, में दोस्तों डिस्ट्रिक्ट जज बनी है ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ के साथ हम लोगों ने आज दिन की शुरुआत करी है मैसाचूसेट्स दोस्तों एक शहर है जहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी है मैसाचूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दोस्तों दुनिया की सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट मानी जाती है दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है अगर 2019 की बात करें तो इकोनॉमिक्स में सेकंड इंडियन को जब नोबेल प्राइज़ मिला था 1998 में अहमद सेन को मिला था जी एंड वेलफेयर इकोनॉमी के लिए और दोस्तों इनको जो है पुअर इकोनॉमी के लिए इनको मिला था कि कैसे गरीबी को दूर की जाए ग्लोबल पॉवर्टी को एलिविएट किया जाए इसके लिए अभिजीत बनर्जी उनकी वाइफ एस्थर डुफ्लो और उनके दोस्त माइकल क्रेमर तीनों को मिला था ये तीनों में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ही थे हाँ लेकिन एक क्वेश्चन आया था एल असिस्टेंट में दो में कि अभिजीत बनर्जी किस शहर में पैदा हुए थे तो दोस्तों लोग दो सोचे कि बनर्जी है तो कलकत्ता में पैदा हुए होंगे लेकिन वो मुंबई के पैदाइश थे तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा एक जो है डिज़ास्टर बना था एल वालों के लिए एक नंबर उनको नहीं मिला था तो इसलिए भाई जब भी कोई आपका इंडियन पर्सनालिटी अगर कोई बहुत Uh, बड़े अवार्ड जीत रहा है तो आपको उसके बारे में बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स दोस्तों जाननी होगी जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है जहां पे एकेडमी अवार्ड्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा दोस्तों विच मूवी सॉन्ग वॉन बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एट द नाइंटी फिफ्थ अकेडमी अवार्ड्स नाइन्टी फिफ्थ एकेडमी अवार्ड में किस फिल्म के गीत को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब मिला है दोस्तों तो ये मिला है ट्रिपल आर की मूवी के नाटू नाटू गाने ने आप कहोगे सर नाचो नाचो था सर ये नाटू नाटू क्या है तो दोस्तों नाचो नाचो उसकी हिंदी डबिंग थी लेकिन जो है दोस्तों एक्चुअली में ये मूल फिल्म जो है तेलुगू लैंग्वेज की है तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है एकेडमी अवार्ड को ही दोस्तों ऑस्कर अवार्ड कहते हैं ये बात भी आपको जाननी यहाँ आवश्यक है बहुत जरूरी है और ये नाइन्टी फिफ्थ एडिशन है ये बात भी आपको जाननी है ठीक है क्लियर है चलिए वेरी गुड ट्रिपल आर मूवी का ये गाना है दोस्तों और बहुत ही फेमस अपने डांस के लिए जाना जाता था लेकिन अब आजकल सॉन्ग के लिए हम लोग इसको पूरी दुनिया में कई अवार्ड्स दे, दे, देख रहे हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड हो चाहे न्यूयॉर्क अवार्ड हो चाहे क्रिटिक्स अवार्ड हो दुनिया भर में इसने अपनी धूम मचाई हो दोस्तों और अंततः बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ये दूसरी इंडियन सॉन्ग है जो चुनी गई अब आप कहोगे सर ये क्या सर क्यों मैंने क्या कहा कि जब कोई बहुत बड़ी घटना घटेगी तो हो सकता है वो घटना ना पूछे उससे जुड़े हुए स्टैटिक फैक्ट्स पूछ ले तो दोस्तों बिल्कुल इसलम डॉग मिलेर का गाना जय हो जो है ये इसके पहले बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड जीत चुका है जिसके लिए ए आर रहमान और गुलजार को ये अवार्ड दिया गया था तो दोस्तों याद रखिए ए आर रहमान और गुलजार को ये अवार्ड दिया गया था ठीक है यहां पे दोस्तों ट्रिपल आर मूवी के लिए यहां पे नाटू नाटू गाने को ये अवार्ड मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ठीक है बेस्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में किसको अवार्ड मिला है तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर खुद एक शॉर्ट बनाया है जाके देखिए आपको सब कुछ पता चलेगा उस मूवी का नाम और बहुत सारी डिटेल भी पता चलेंगी दोस्तों एलिफेंट विस्परर के बारे में पता चलेगा दोस्तों सबसे मजे की बात यह है कि भारत सरकार ने इस मूवी को कहीं भी नहीं भेजा था ऑस्कर के लिए बल्कि उन्होंने गुजराती फिल्म को भेजा था छेलो शो द लाश शो को तो एस एस राजा मौली बहुत ही डिसअपॉइंट हुए थे उन्होंने अपनी तरफ से इसको ऑस्कर में भेजा सरकार की तरफ से नहीं गया था यहाँ पे यह बात बहुत गौर करने वाली है तो सरकार इसकी क्रेडिट नहीं ले सकती है कि हमने भेजा था ठीक है क्लियर है चलिए वेरी गुड तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो आ, हर जगह हम लोगों ने एम एम किरवनी को यह अवार्ड लेते हुए देखा है ठीक है तो एम एम किरवनी ने दोस्तों जो है इसको म्यूजिक दिया है अरेंजमेंट्स हैं काल भैरव के लिरिक्स हैं चंद्र बोस के सिंगर हैं राहुल सिपलीगंज और काल भैरव क्योंकि दो एक्टर थे तो दो सिंगर भी लगेंगे और कोरियोग्राफी है प्रेम सक, रक्षित के कोरियोग्राफी जो डांस के लिए है तो यहां पे प्रेम रक्षित को जो ठीक है क्लियर है याद रहेगा दोस्तों सोनक सेन की ऑल दैट ब्रेक जो डॉक्यूमेंट्री मूवी थी वो नॉमिनेशन तक गई लेकिन जीत नहीं पाई तो डॉक्यूमेंट्री में ऑल दैट ब्रेथ हार गई लेकिन डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में शॉर्ट 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 फिल्म में एलिफेंट विस्परर एक इंडियन मूवी वो जीत गई ठीक है क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया कल मैं आप लोगों के लिए ऑस्कर अवार्ड के और डिटेल जो है इंफॉर्मेशन लेकर के आऊंगा ठीक है चलिए वेरी गुड अरे चलो ये बात आप लोग बता सकते हैं क्या कि अवार्ड किसने लिया इसमें अवार्ड किसको किसको मिला है बता सकते हैं क्या आप लोग और हर क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब इसी सेशन में मिलेगा ये बात भी याद रखिएगा दोस्तों विच कंपनी हैज पार्टनर्ड माइक्रोसॉफ्ट टू ब्रिंग क्वांटम कंप्यूटिंग टू क्लाइंट ग्राहकों के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग लाने के लिए किस कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाइप किया है साझेदारी की है तो दोस्तों जो है यहाँ पे एच सी एल टेक्नोलॉजी एच सी एल की ही है शिव नादर जो सबसे बड़े परोपकारी हैं फिलेंथ्रोपिस्ट हैं रोशनी नादर मल्होत्रा जो दुनिया के भारत के अमीर महिलाओं में आती हैं ठीक है क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार देखिए यहां निहारिका बता रही है कि एलिफेंट विस्फरर कर्तिकी गुंजालविस की गुंजाल लिखी हुई है पता एलिफेंट विस्परर जो है दोस्तों ये किस राज्य की है फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड जो है वो भानु अथैया को मिला था गांधी मूवी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए ठीक है तो वेरी गुड सचिन बिल्कुल सही कहा आपने तो चलिए दोस्तों यहां पे माइक्रोसॉफ्ट एस सी एल का टाइप हुआ है वेरी गुड दोस्तों इंटरनेशनल वीमेन्स डे पर ऑल इंडिया वीमेन्स फोक आर्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया ऑल इंडिया वीमेन्स फोक आर्ट कॉन्फ्रेंस का जो है आयोजन दोस्तों ये मुंबई में किया गया और इंटरनेशनल वीमेन्स डे दोस्तों आठ मार्च को मनाया जाता है आठ मार्च को दोस्तों मनाया जाता है ठीक है क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों डॉक्टर मानिक शाह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है तो दोस्तों ये जो है त्रिपुरा के रा जो है मुख्यमंत्री बने सबसे मजे की बात है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री विप्लव देव को हटा के मानिक शाह को मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया था और मानिक शाह दोबारा जीतने में सफल रहे और दोस्तों यह 25 साल के कम्युनिस्ट शासन को हटा करके दोस्तों ये जो है सत्ता हासिल हुई है तब से बीजेपी दोबारा सत्ता में आके इतिहास रच दी है तो दोस्तों पहली बार आई बीजेपी 25 साल के बाद पहली बार कोई नॉन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट यहाँ बनी थी और अब दोस्तों इन्होंने फिर से इतिहास रच दिया है सेकेंड टर्म बीजेपी को मिल गया थर्टी सीट्स इन्होंने जीते हैं ठीक है थीके? क्लियर है चलिए वेरी गुड तो अपोजिशन पार्टी के जो मेन लीडर है दोस्तों त्रिपुरा मोथा ये जो है पार्टी को तेरह सीट ही मिले हैं ठीक है थीके? क्लियर है चलिए तो दोस्तों आईपीएफटी जो कि बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी थी उसको एक सीट मिली है ओके तो बत्तीस सीटें भाजपा ने जीत ली है दोस्तों त्रिपुरा त्रिपुरा में तीनों पूरा यानी सत्यदेव नारायण आर्या सत्यदेव नारायण आर्या वहां के राज्यपाल है मैंने बताया तीनों नाम पूरा सत्यदेव नारायण आर्या वहां के राज्यपाल है राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है दोस्तों विस सिटी वाज द द होस्ट ऑफ सेकंड मीटिंग ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फिनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी की दूसरी बैठक का मेजबान कौन सा शहर था तो दोस्तों ये हैदराबाद था कौन सा शहर था दोस्तों हैदराबाद था ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए हैदराबाद को देखिए यहां पे सिटी ऑफ पर्ल भी कहा जा रहा है इस जी ट्वेंटी के ग्लोस आप नहीं देख पा रहे कोई बात नहीं मैं बड़े में दिखाता हूं तो सिटी ऑफ पर्ल सिटी ऑफ ट्रीज वर्ल्ड ट्री सिटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी मिया वाकी वन फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी वर्ल्ड ग्रीन सिटी भाग्यनगर हैदराबाद को बहुत सारे नामों से जाना जाता है तो दोस्तों सेकंड ग्लोबल हैदराबादी हलीम हैदराबादी बिरयानी भैया हर चीज इसकी जो है अलग ही लेवल पे तो दोस्तों सेकंड ग्लोबल पार्टनरशिप फिनेशियल इंक्लूजन मीटिंग हुई है जी ट्वेंटी की इस बार की पूरी मीटिंग ही यहाँ पे हो रही है जिसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पहले अर्थ फिर फैमिली फिर फ्यूचर पहले अर्थ को ध्यान देना है फिर फैमिली को ध्यान देना है फिर फ्यूचर को ध्यान देना है ठीक है मतलब फ्यूचर के ग्रोथ के चक्कर में ऐसा न हो कि हम इन्वायरमेंट की वोट लगा दें और इन्वायरमेंट की वोट लगाते ही हमारी फैमिली की वोट लग जाती है बात समझ में आ रही है कि नहीं दोस्तों सालहोतुनूहो क्रूज ने किस राज्य की फर्स्ट महिला कैबिनेट मंत्री बनकर इतिहास रचा है दोस्तों ये वो स्टेट है जहां पर पहली बार जिंदगी में दो महिलाएं विधायक बनी है अभी चुनाव हुए दोस्तों नागालैंड में मेघालय में त्रिपुरा में इन सब जगहों पे तो दोस्तों नागालैंड में जो है ये इतिहास बन गया कि दोस्तों जो है दो महिला विधायक बनी और एक उसमें से मंत्री बन गई ये ये जो क्रूज आप देख रही हैं मोदी जी देखिए इनके साथ हाथ भी मिला रहे भाई शपथ लेने के बाद जो है सब लोग आके अभिवादन कर रहे थे मोदी जी के साथ ठीक है क्लियर है तो दोस्तों जो है एक जो है एमएलए कौन थी दोस्तों हेकानी जखालू और एक थी ये क्रूज तो दोस्तों जो है क्रूज मंत्री बन गई है हेकानी जखालू नहीं बनी है नहीं बनी नागालैंड नागांव की जगह है सोचो औरतों को आ, क्या बात की जाए आजादी के इतने साल बाद पिछली बार तो विधानसभा में जनगण मन बजा था नागाओं की एक अलग दुनिया होती है आदिवासियों की एक अलग कल्चर होता है आप नागालैंड में जाकर के अपना जमीन या मकान भी नहीं बना सकते उनका प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो अंग्रेजों के जमाने से है दोस्तों यूनियन मिनिस्ट्री द लेड क्लीनलीनेस कैंपेन किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छोत्सव महिलाओं के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान शुरू किया है तो दोस्तों ये शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने यानी कि दोस्तों जो है स्वच्छ भारत अर्बन बीन पॉइंट जीरो हरदीप सिंह पुरी तो दोस्तों जो है ये इसी मिशन के अंतर्गत दोस्तों जो है शुरू किया गया तो ये 2.0 कब शुरू किया गया 2019 तक दोस्तों 1.0 चल रहा था जब आजाद आ, महात्मा गांधी के बर्थ की दोस्तों जो है क्या कहते हैं डेढ़ सौवीं जयंती मनाई गई जो डेढ़ सौ वर्ष 2019 में पूरे हुए महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी के दो अक्टूबर को दोस्तों जो है इसे शुरू किया गया था ठीक है दो में पांच साल में स्वच्छ भारत करना था उसका 2.0 मिशन शुरू किया गया 2019 में जब 1.0 खत्म हो गया था उसी के इस जो है पार्ट के रूप में इसे शुरू किया गया वीमेन वाली बात इसीलिए आ रही है क्योंकि अभी दोस्तों 8 मार्च को विमेन्स डे मनाया गया दस मार्च को भी कोई विमेंस डे मनाया गया कौन सा वीमेंस डे मनाया गया बताइए फटाफट यह आंसर कीजिए और आपको पता है उन सारे जवाब मैं लास्ट में दूंगा कि किसी न किसी क्वेश्चन में वो आंसर आएगा तो मैं क्वेश्चन जो अभी आपसे पूछ रहा हूं वो आपको मिलेगा ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया तो दोस्तों जो है यहाँ पे विंस विंस का भी फुल फॉर्म देखिए द वीमेन आइकॉन लीडिंग सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट ठीक है क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों विच इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत की है तो दोस्तों ये डब्ल्यू एमओ ने की है किसने की है डब्ल्यू एम ओ ने की है ओके क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों बाहुबली दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर किस राज्य में स्थापित किया गया है बाहुबली जो दुनिया का पहला जो है बंबू क्रैश बैरियर दोस्तों यह स्थापित किया गया बाहुबली के नाम से तो दोस्तों यह महाराष्ट्र में जो है स्थापित किया गया है जो कि विदर्भ महाराष्ट्र में दोस्तों वानी वरोड़ा हाईवे पर शुरू किया गया है ठीक है यवतमाल में चंद्रपुर से यवतमाल के बीच में दोस्तों ठीक है क्लियर है इट हैज आल्सो भी इसको मान्यता प्राप्त है दोस्तों इंडियन रोड कांग्रेस का ठीक है क्लियर है ये इको फ्रेंडली क्रैश बैरियर है स्टील बैरियर का ये बहुत बढ़िया अल्टरनेटिव है दोस्तों ठीक है क्लियर है जिसे कि दोस्तों बंबूसा बालकोवा बंबू से जो दोस्तों जो है बनाया गया है जिसे क्रोसोट ऑयल से कोटेड किया गया है और दोस्तों रिसाइक हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन से तो दोस्तों जो है पूरी तरीके से जो ऐसे लेप जो लगाया गया है ये भी दोस्तों बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली है दोस्तों ब्रह्मोज मिसाइल को रूस के एनपीओ पी मशीनों और भारत के किस संगठन के बीच में साझेदारी से डेवलप किया गया है तो ब्रह्मोज मिसाइल दोस्तों इंडिया और रशिया के जो है ज्वाइंट मिसाइल है ब्रह्मोज में ब्रह्मपुत्र नाम इंडिया के नदी का है मॉस्कोवा नाम रशिया के नदी का है रिवर का है और अतुल दिनकर राणे ब्रह्मोज एरोस्पेस के हेड हैं इन दोनों कंपनियों ने मिल करके शुरू किया किस कंपनी ने रशिया की कंपनी का नाम आपने सुन लिया इंडिया की कंपनी का नाम है डी और डी ही सारे मिसाइलों के परीक्षण करता है आप देखते हैं दिल्ली हेडक्वार्टर है बलस से मूलम विज्ञानम दोस्तों इसकी टैगलाइन है आदर्श वाक्य है मोटो है और समीर वी कामत इसके हेड हैं दोस्तों और फर्स्ट जनवरी 1958 को दोस्तों ये संस्था जो है आई थी ओके क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि ब्रह्मोस अभी क्यों न्यूज में है क्यों हम लोग ये चीज़ें पढ़ रहे हैं तो अभी इंडियन नेवी ने दोस्तों अपने इंडिजीनियस वॉरशिप से इसका परीक्षण किया सफलतापूर्वक अभी उन्नत कैटेगरी जो है एडवांस वर्जन के ब्रह्मोस का परीक्षण चल रहे हैं अलग अलग तरीके से कहीं सुखोई से चल रहा है तो कहीं हेलीकॉप्टर से चल रहा है कहीं नेवी कर रही है कहीं एयरफोर्स कर रही है कहीं आर्मी कर रही है 290 किलोमीटर की रेंज थी इसकी जो अब जो है हाईएस्ट रेंज अचीव की है इस ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन उन्नत संस्करण ने वो है साढ़े चार सौ किलोमीटर वो है साढ़े चार सौ किलोमीटर दोस्तों ठीक है क्लियर है तो इसलिए ब्रह्मोस देखिए ब्रह्मोस एरोस्पेस सेट टू बैग यूएसडी 2.5 बिलियन क्रूज मिसाइल ऑर्डर फ्रॉम इंडियन नेवी तो इंडियन नेवी ने इन सब परीक्षण के बाद इनको 2.5 बिलियन यूएस डॉलर का ऑर्डर भी दे दिया है दोस्तों 200 दो मिसाइल्स के लिए कितने मिसाइल्स होंगे दोस्तों दो मिसाइल्स होंगे चाइना की हालत खराब है दोस्तों और सबसे ज़्यादा खराब हालत हो जाएगी पाकिस्तान की क्योंकि भैया पिछली बार हम लोग ने बांग्लादेश वाले युद्ध के समय इनके कराची पोर्ट को तहस नहस कर दिया था इसीलिए तो हम 4 दिसंबर को नेवी डे मनाते हैं जब हमारी किलर स्क्वाड्रन मिसाइल स्क्वाड्रन गई थी इनके सारे शिप को ख़त्म दुबा दिया पूरे बंदरगाह को पूरे पोर्ट पे आग लगा दी महीनों तक धुआं दिखता रहा हफ्तों तक आग जलती रही तो दोस्तों अब भाई ये उनकी हालत खराब है पी एन एस गाजी को भी हम लोग ने यहाँ विशाखापट्टनम में डुबा दिया था जो पनडुब्बी आई थी हमारे आई विक्रमादित्य को मारने के लिए उसको भी खत्म कर दिया था हम लोगों ने क्या बात है दोस्तों रिसेंटली इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट फायर द शिप लॉन्च वर्जन ऑफ ब्रह्मोज मिसाइल यही तो यहां पे भी लिखा हुआ है लास्ट लाइन में कि विच वुड बी बीक्प्ड ऑन ऑल द फ्रंट लाइन वॉरशिप ऑफ द मेरी फोर्स ठीक है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है दोस्तों किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव की दिया है तो दोस्तों जो है ये जो है इंडिया ने क्योंकि भाई बिग कैट यानी कि टाइगर टाइगर के लिए भारत ही दोस्तों जो है मेन घर है मान लीजिए टाइगर सबसे ज्यादा इंडिया में ही रहते हैं तो भारत का तो नेशनल एनिमल भी टाइगर ही है दोस्तों बंगाल का टाइगर दोस्तों द ड्राफ्ट सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन वॉज इश्यूड रिसेंटली टू प्रोटेक्ट विच स्पीसीज किस स्पीसीज को बचाने के लिए दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने रेगुलेशन लाया है तो दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को चलिए ये बताइए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस स्टेट का फेमस है या किस स्टेट का बर्ड है ऐसा भी आप लोग बता सकते हैं ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त <coughs> तो दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द दस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड एंड इज नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट और तो भारतीय उपमहाद्वीप इसका घर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का ठीक है क्लियर है द ड्राफ्ट सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी Uh, दोस्तों जो है इसने एक कानून लाया है टू ब्रिंग ऑल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ 33 केवी के वी एंड बिलो पासिंग वाया द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एरिया अंडरग्राउंड क्योंकि भाई इस बिजली से जो है तारों से उनको हार्म पहुंच रहा है इसलिए उसको अंडरग्राउंड किया जाए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एरिया में जो बिजली की जो लाइंस हैं जो बिजली के तार हैं उनको अंडरग्राउंड किया जाएगा ठीक है क्लियर है और 33 केवी के ऊपर के वाली जो है वो ओवरहेड लाइन से ले जाया जाएगा उसको जो है बर्ड फ्लाइट के डाइवर्ट किया जाएगा एरिया से ठीक है दोस्तों वो एक्सेप्टेड द ऑस्कर फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग देखिए कल से आप लोग दोस्तों जो है ये बहुत सुन रहे हैं कि भाई राहुल सिपलीगंज ने गाना गाया काल भैरव ने गाना गाया आपने ये भी देखा कि एमएम एम किरवनी कई अवार्ड्स देखे गोल्डन ग्लोब लिया और न्यूयॉर्क क्रिटिक्स लिया है ना सारे अवार्ड्स लिए लेकिन दोस्तों एक नाम जो कहीं ना कहीं छूट रहा है वो नाम है दोस्तों चंद्र बोस का चंद्र बोस का नाम ठीक उसी तरीके से है जैसे गुलजार का नाम था जय हो में जयहू में गुलजार ने क्या लिखा था गीत लिखे थे यानी कि लिरिसिस्ट थे दोस्तों गीतकार थे गीतकार और संगीतकार में अंतर क्या होता है कि लिरिसिस्ट जो गाने को लिखता है उसे गीतकार कहते हैं और जो उसको म्यूजिक देता है उसको दोस्तों जो है कहते हैं हम संगीतकार म्यूजिक डायरेक्टर जैसे कि दोस्तों जो है अगर हम लोग बात करें तो जो ए आर रहमान तो एम एम किरवनी और ए आर रहमान तो दोस्तों जय हो के लिए हम लोग जान रहे हैं कि भाई नाटू नाटू को कि एम एम किरवनी ने म्यूज़िक दिया और ए आर रहमान ने जय हो को म्यूज़िक दिया ये तो हम सब जान रहे हैं ठीक है लेकिन दोस्तों ये देखो ऑस्कर में कि जय हो के लिए गुलजार को और ए आर रहमान को दिया गया था यानी कि लिरिसिस्ट को भी ऑस्कर अवार्ड उतना ही सम्मान देता है जितना कि म्यूजिक डायरेक्टर को देता है ठीक है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए सिंगर को महत्व नहीं देता है सिंगर के लिए प्लेबैक सिंगर का अलग अवार्ड होता है चंद्र बोस लिरिसिस्ट हैं गीतकार हैं और एमएम एम किरवनी म्यूजिक डायरेक्टर हैं यानी संगीतकार हैं इन दोनों लोग को अवार्ड मिला है इन दोनों लोगों को अवार्ड मिला है दोस्तों यही मेन बात है तो कहीं चंद्र बोस पूछ लिया सब लोग एम एम किरवनी पे ध्यान दे रहे हैं सब लोग दोस्तों राहुल सिपलीगंज पे ध्यान दे रहे हैं सिंगर पे सब लोग काल भैरव पे ध्यान दे रहे हैं सिंगर पे लेकिन चंद्र बोस पे अगर ध्यान नहीं दोगे जिसने गीत को लिखा है तो दोस्तों जो है गड़बड़ हो जाएगी ठीक है तो ये है दोस्तों चंद्र बोस सी बी और ये है दोस्तों किरवनी बहुत सारे अवार्ड ये लोग जीते हैं बहुत सारे अवार्ड इन लोगों ने इस साल जीते हैं बहुत सारे अवार्ड में पढ़ा पढ़ा के थक गया हूं कई अवार्ड जीते हैं इन लोगों ने दोस्तों ऑस्कर अवार्ड ए, एकेडमी अवार्ड दोनों एक ही अवार्ड है नाइन्टी एडिशन था दोस्तों ये भी आपको याद रखना होगा दोस्तों ये भी याद रखना होगा कि डॉल्बी थिएटर में हुआ है लॉस एंजलिस में थर्टीन मार्च को ठीक है दीपिका पादुकोण भी गई थी अवार्ड फंक्शन में अवार्ड देने के लिए क्योंकि भाई लुई वुइटन वाली है ना ये ब्रांड एम्बेसडर तो दीपिका पादुकोण आपकी फ्रांस में फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंच जाती हैं ऑस्कर अवार्ड में भी पहुंच जाती हैं कांस फिल्म फेस्टिवल में भी पहुंच जाती हैं दीपिका पादुकोण ज्यूरी में पहुंच जाती हैं तो दीपिका पादुकोण तुक्का भी मारा जा सकता है किसी इंटरनेशनल इवेंट में कौन था जो है दीपिका पादुकोण है ना तो वेरी गुड इनके पिताजी प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन के बहुत बड़े खिलाड़ी थे इन्हें अभी कर्नाटक सरकार ने अवार्ड भी दिया था नारायण मूर्ति जी के साथ और एस एम कृष्णा के साथ दोस्तों केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस राज्य के लिए डाक विभाग का एक अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया है तो गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक दोस्तों सिक्किम ने जारी किया है किसने जारी जारी किया किया मेरे भाई सिक्किम सिक्किम ने जो है है इसे जारी किया, सिक्किम भारत का पहला बायो फार्मिंग स्टेट क्या है भारत का पहला बायो फार्मिंग स्टेट डाक टिकट जारी किया गया है इंडियन पोस्ट के द्वारा ठीक है अश्विनी वैष्णव ने क्यों जारी किया है क्योंकि ये दोस्तों कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी हैं कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही ये चीजें आती हैं ओके क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया दोस्तों सिक्किम की कैपिटल गैंगटोक है नए नए गवर्नर बने हैं दोस्तों लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और प्रेम सिंह तमांग यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और दोस्तों इसके पहले जो पवन चामलिंग यहाँ के दोस्तों गवर्नर हुआ करते थे वो भारत के जो है सबसे लंबे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है दोस्तों ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया तो दोस्तों जो है यूनियन मिनिस्टर थैंक्स डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फॉर दिस रिलीज एंड कंग्रेचुलेटेड सिक्किम स्टेट फॉर इट्स अचीवमेंट ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट स्टेट सुनिएगा बहुत सब इंपॉर्टेंट है कि किस चीज की बधाई दी है मंत्री ने अचीवमेंट ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ध्यान दीजिएगा वर्ल्ड का पहला स्टेट है टू गेट रिकोगनाइज एज एन ऑर्गे ऑर्गेनिक स्टेट जैविक राज्य वाला ये भारत का ही नहीं दुनिया का पहला राज्य है दुनिया का पहला राज्य। किसने इसको ऐसा बोला है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने दोस्तों जो है बोला है ठीक है क्लियर है बात समझ में आ गई चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त वर्ल्ड की बात हो रही है तो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म दोस्तों कहाँ पर बना है दोस्तों अगर हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं तो आज भी खड़गपुर बताया जाता है लेकिन अगर हम वर्तमान की स्थिति को देखते थे तो हम लोग गोरखपुर पढ़ते थे लेकिन 1.3 किलोमीटर की ही गोरखपुर की जो रेलवे प्लेटफॉर्म थी वो थी लेकिन उससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म पाँच किलोमीटर का हुबली कर्नाटका में यह हुगली कलकत्ता वाला नहीं है ये हुबली कर्नाटका वाला है जहाँ रेलवे म्यूजियम भी है दोस्तों तो कर्नाटका में हुबली में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है दोस्तों पाँच किलोमीटर का ठीक है जिस हुबली रेलवे स्टेशन का नाम स्वामी श्री सिद्धरोधा महाराज के ऊपर रखा गया था अभी एक दो साल पहले ही ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों किस राज्य सरकार ने जो है महिला अधिकारिता सुरक्षा सप्ताह के अंत में यानी कि विमेन एम्पावरमेंट और सेफ्टी वीक जो चल रहा था उसके एंड में दोस्तों एक मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को लॉन्च किया है और अनाउंस किया है तो दोस्तों ये उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने किया महिला दिवस दोस्तों भी बीता है बहुत सारी चीजें आपको इस हफ्ते महिलाओं से रिलेटेड ही सुनाई देंगी ठीक है आठ मार्च को महिला दिवस था दस मार्च को महिला दिवस था दोस्तों ठीक है अब वो कौन सा महिला दिवस था ये मैं आपको बताऊंगा ओके क्लियर है तो दोस्तों जो है यहाँ पे एक और पुष्कर सिंह धामी ने काम किया है कि दोस्तों थर्टी परसेंट आरक्षण देने के लिए भी दोस्तों जो है जो है यहां पे कानून लाने की बात जो है की है दोस्तों ठीक है क्लियर है तो महिलाओं के लिए इन्होंने इन्होंने क्या, क्या क्या किया ये बताया गवर्नर गुरमीत सिंह है विंटर कैपिटल देहरादून और समर कैपिटल गैरसैन है दोस्तों एजुकेशन मिनिस्टर और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने किस आईआईटी में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बैचलर साइंस डिग्री प्रोग्राम शुरू किया है चार साल का कितने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बैचलर डिग्री शुरू की है आईटी मद्रास में आईटी मद्रास दोस्तों चिप लेवल पे काम करता है और चाहे फार्मूला वन कार बनाना हो इलेक्ट्रिक वाला कैच चाहे दोस्तों भार ओएस बनाना हो या फिर दोस्तों हाइपर ट्यूब टेक्नोलॉजी वाली ट्रेन पर काम करना हो आई मद्रास देश का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट है और बेहतरीन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भी चुना गया तो आई मद्रास एक से एक चीज़ें डेवलप भी करता है तो इसी को काम दिया जाता है और इसी को बोला जा रहा है अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में तुम लोग आगे बढ़ो तो यहाँ पे दोस्तों क्योंकि हम लोग चिप लेवल पे काम नहीं कर पा रहे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में असेंबलिंग ही कर रहे हैं ठीक है तो खाली कहने की बातें हैं जैसे अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एम्प्लॉयों से अगर बात की जाए तो दोस्तों वो लोग बताते हैं कि अरे कुछ नहीं तेजस आपाचे सब कुछ नहीं कोई भी इंजन इंडिया में नहीं बनता है सब इंडिया से बाहर से आता है खाली इंडिया में असेंबल होता है और मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर कहलाता है दोस्तों फोन पे ने हाल ही में कौन सा लाइसेंस प्राप्त किया है तो हम लोग को दोस्तों एकदम मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे काम करना होगा असेंबलिंग लेवल पे नहीं दोस्तों फोन पे को अभी जो है कौन सा लाइसेंस मिला है तो दोस्तों फोन पे को भी डिजिटल पेमेंट लाइसेंस मिला तो आप कहोगे सर तो डिजिटल पेमेंट तो ये पहले से करता है सर यूपीआई वाला तो लेकिन इसको पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल गया किसका लाइसेंस मिल गया है दोस्तों पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल गया है ठीक है क्लियर है विच अलाउ फोन पे टू एग्रीगेट पेमेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाई मल्टीपल मर्चेंट एंड ऑफर देम टू कस्टमर थ्रू अ सिंगल प्लेटफॉर्म तो दोस्तों जो मल्टीपल मर्चेंट जो दुकानदारों को दोस्तों सिंगल प्लेटफॉर्म पर पेमेंट करने की फैसिलिटी मिल जाएगी पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल जाएगा तो दोस्तों जो है जैसे कि जब आप किसी भी मर्चेंट के सामान को खरीदते हैं तो जो बीच में पेज आता है दोस्तों जिससे पेमेंट होता है वो पेमेंट एग्रीगेटर पेज होता है ठीक है अभी तक पे से केवल यूपीआई हो पाता था अब जो है जब भी किसी मर्चेंट से कोई पेमेंट होगा तो उस बीच में जो मीडिएटर का काम है वो फोन पे कर सकेगा ठीक है क्लियर है चलिए जैसे कि रेजर पे करता है रेजर पे करता है जब तुम कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदते हो किसी टीचर का मैं तो बेचता नहीं हूं तो दोस्तों जो है फोन पे जब आप जब आप उस टीचर को पेमेंट करते हो तो रेजर पे से उस पावर्ड होता है तो वो बीच में मीडिएटर होता है जो इस काम को मर्चेंट को आपके थ्रू पैसा दिलवा रहा है आपका पैसा रेजर पे के थ्रू उस आ, के पास जा रहा है किसके पास टीचर के पास और बीच में वो अपना कुछ कमीशन ले लेता होगा दोस्तों सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैं, हैंड एम्बेसिडर किसको बनाया है तो दोस्तों ये सचिन तेंदुलकर जो है दोस्तों सेवलॉन इंडिया के हैंड एम्बेसिडर बने हाथ साफ रखिए दोस्तों सेवलॉन से धोइए आपको कोई बीमारी नहीं होगी आज के लिए एक नया इंफ्लुएंजा चला हुआ है देश में एक नया इंफ्लुएंजिया कौन सा चला हुआ है देश में दोस्तों बता सकते हैं आप कौन सा चला हुआ है बताओ आईटीसी का है दोस्तों ये सेवलॉन जिससे दोस्तों बहरीन ग्राम पी का खिताब किसने जीता वह हैज द टाइटल ऑफ बहरीन ग्राम प्री तो दोस्तों ये अवार्ड मैक्स वर्ष्ट ने जीता है मैक्स वर्ष्ट दोस्तों रेड बुल के हैं मैक्स वर्ष्ट रेड बुल के हैं दोस्तों जिन्होंने यह अवार्ड जीता है ठीक है क्लियर है याद रहेगा दोस्तों कल हमने रात की क्लास में बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स बताए जिनके सिलेक्शन हुए थे एसबीआई में बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स मैंने दोस्तों टेलीग्राम पे भी डाले हैं व्हाट्सएप पे भी आपको भेजा है पर्सनली कम से कम दस बीस फोटो मैंने स्टेटस पे भी लगाया है तो ये बताता है कि कैसे आप लोग एस का मेंस दे के आते हैं और डिसअपॉइंट हो जाते हैं लेकिन जब जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन आपकी खुशियां अलग होती हैं मैं आप लोग से हमेशा बोलता हूँ कि आपको 99% परसेंट नहीं लाना है आपको अगर बगल वाला 12% परसेंट ला रहा है तो आपको 15% परसेंट लाना है बस यहाँ थर्टी का भी कॉन्सेप्ट नहीं है तो बस आपको से ज्यादा नंबर लाने हैं इसलिए कभी पेपर खराब हो पेपर टफ आए तो टेंशन मत लो सबका टफ आया है सबका खराब हुआ है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसने भाग लिया तो दोस्तों अमित शाह ने सी आई एस एफ डे पर भाग लिया दोस्तों फिफ्टी फोर्थ ये रेजिंग डे था दोस्तों सी आई एस एफ आई थी यहाँ पे दोस्तों जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के लिए दोस्तों अमित शाह ने कहा है ठीक है कहाँ पे हुआ है दोस्तों एन आई एस से हैदराबाद यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी कहाँ है तो दोस्तों ये हैदराबाद में है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ठीक है तो एक बार टेलीग्राम पे जाकर के उन कमेंट्स को जरूर पढ़िएगा कैसे एक दिव्यांग बच्ची कैसे एक बिना बाप की बच्ची ने सिलेक्शन लिया कैसे एक अटेम्प्ट में बिना कोचिंग के मदद से लोगों ने सिलेक्शन लिया कैसे जो है पंद्रह बीस दिन पढ़ के बच्चों ने सिलेक्शन लिए उन सारे कमेंट्स में दोस्तों आपको उनकी भावनाएं जरूर दिखाई देंगी दोस्तों किस राज्य के राज्यपाल ने अभी आज सोनल का वीडियो भी मैं डालूंगा दोस्तों सोनल का सिलेक्शन हुआ है उसने अपना वीडियो बनाया है कल उसने दोस्तों पहली ज्वाइनिंग करी अः कल मतलब उसका फर्स्ट डे था दोस्तों ग्रामीण बैंक में तो वो वीडियो भी दोस्तों अभी आप लोगों के लिए डालूंगा ठीक है दोस्तों किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित ऑनलाइन जुआ निषेध विधेयक को लौटा दिया दोस्तों ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग से रिलेटेड कानून किसने पास किया था तो ये तमिलनाडु ने किया था दोस्तों स्टॉलिन जी ने ठीक है तो दोस्तों जो है आर एन रवि यहाँ के राज्यपाल हैं इन्होंने इसे वापस लौटा दिया है बोला है कि अभी इसमें कुछ सुधार करिए ठीक है थीके? लेकिन दोबारा अगर आ गया तो इनको पास करना ही पड़ेगा ठीक है इस सदन के के पास इसे बनाने के लिए विधायी क्षमता नहीं थी ठीक है ऑनलाइन गैम्बलिंग को प्रतिबंधित करने का तमिलनाडु इरादा रखता है दोस्तों इंडोनेशिया अपनी कैपिटल जकार्ता से बोर्नियो आइलैंड ले जा रहा है ठीक है बोर्नियो आइलैंड ईस्ट काली मंथन पे है दोस्तों नूसन तारा उस कैपिटल का नाम है ऐसा क्यों कर रहा है क्योंकि दोस्तों जकार्ता में बहुत कंजेशन हो गया है जकार्ता में आशियान का भी मुख्यालय है और इन्वायरमेंटल इशू भी है और कुछ साल के बाद दोस्तों जकार्ता डूब भी जाएगा समुद्र के का आइलैंड है दुनिया के बहुत सारे आइलैंड से मिल करके बना हुआ है इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है दुनिया का सबसे बड़ा आर्की पलागो है दुनिया में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाली जन जो है कंट्री के रूप में भी ये जाना जाता है सबसे ज्यादा मुस्लिम परसेंटेज है दोस्तों पॉपुलेशन में तो ये भी दोस्तों इंडोनेशिया में हो रहा है ठीक है क्लियर है तो दोस्तों बहुत सारे इन्वायरमेंटल इशूज हैं जैसे कि भीड़ भाड़ है सिंकिंग इन टू शी वाटर है भूकंप का खतरा है इसलिए वो अपना इन्वायरमेंट जो है उसको आगे बढ़ा दोस्तों वर्ल्ड किडनी डे हर साल कब मनाया जाता है वर्ल्ड किडनी डे दोस्तों जो सेकेंड सेकंड थर्सडे इन मार्च को मनाया जाता है मार्च के सेकेंड थर्सडे को ठीक है दूसरे गुरुवार को दूसरे वीरवार को दूसरे जुमेरात को ठीक है 2006 में पहली बार मनाया गया था दोस्तों आपको बताना है कि इस बार ये सेकेंड थर्सडे किस दिन पड़ा था और इसकी थीम क्या है तो आप कहोगे सर सब हम ही बताएंगे तो आपसे हम क्यों पढ़ रहे हैं तो मैं बताऊंगा लेकिन इस सेशन के आखिरी में ठीक है ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं बताऊंगा लेकिन मेरे चैंपियन उसके पहले बता देंगे ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है दोस्तों नवंबर 2022 में मा, से मार्च 2023 तक हुए भारतीय नौसेना के हालिया अभ्यास का क्या नाम है तो दोस्तों ऑपरेशन ट्रोपेक्स 23 नाम है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन नेवीज रिसम नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी तो दोस्तों ऑपरेशन ट्रोपेक्स ट्वेंटी थ्री इसका नाम है ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त क्या है दोस्तों थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज ठीक है चार महीने से ये चल रही थी नवंबर से ही चल रही थी दोस्तों और अब जाके मार्च में दोस्तों खत्म हुई है ठीक है तो इस बात के लिए इसे याद किया जा रहा है दोस्तों एंथोनी एल्बोनिस अभी भारत आए भाई क्या है एंथोनी एल्बोनिस ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अभी नए नए बने हैं तो दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप को और मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की ये भारत यात्रा हुई है ठीक है सबसे बड़े सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में भी ऑस्ट्रेलिया क्वाड कंट्री में भी है इस बार इंडिया जापान और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया क्वाड कंट्री के मेंबर इस बार मालाबार एक्सरसाइज करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में पहली बार होने वाला है ठीक है तो दोस्तों अभी जो आईनस विक्रांत था जो भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट करियर है दोस्तों उसको भी दोस्तों इन लोगों ने जो है डिमोस्ट्रेट किया है तो बहुत सारी चीजें इन्होंने यहां पर आकर की है ठीक है उस पर सवार होकर के मुंबई में दोस्तों एक ऐतिहासिक संदेश दिया है चाइना को दोस्तों कोतक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा शुरू किए गए डिजिटल अभियान का नाम क्या है तो दोस्तों ये डिजिट ऑल डिजिट ऑल ठीक है डिजिट ऑल का मतलब क्या है दोस्तों डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्विलिटी देखिए जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है ये भी वीमेन्स डे पे ही दोस्तों यहां पे जेंडर इक्विलिटी की बात हो रही है एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है दोस्तों म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां होती हैं तो दोस्तों यहां पे देखा जाए तो हैशटैग कौन सा चला इसके लिए इंक्लूड ऑल इंक्लूड ऑल ठीक है दोस्तों आरबीआई के ट्वेंटी फिफ्थ गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने यूपीआई की जो है विजय गाथा बताई है कि यूपीआई किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है पिछले 12 महीनों के आंकड़े लिए जाएं यानी पिछले महीन पिछले साल के से एक महीने की ग्रोथ को और इस साल के एक मंथ की ग्रोथ को अगर लिया जाए तो दोस्तों डेढ़ गुना हो गया है यानी 50 परसेंट ग्रोथ की है दोस्तों इस ट्रांजेक्शन ने 50 परसेंट यू का ट्रांजेक्शन ग्रोथ किया है यानी जहां एक महीने में दोस्तों जो है अगर ट्रांजेक्शन होता था दोस्तों छत्तीस करोड़ रुपये का ठीक है चौबीस करोड़ रुपए का तो अभी जो है छत्तीस करोड़ रुपए क्रॉस कर गया है दोस्तों ठीक है क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया तो ये सिग्निफिकेंट इंक्रीज जो है दोस्तों यहां पे बताया जा रहा है सॉरी मंथली ट्रांजेक्शन बोल रहा हूं डेली ट्रांजेक्शन की बात हो रही है क्योंकि मंथली ट्रांजेक्शन तो, तो ये भाई साहब बारह लाख करोड़ से ऊपर का हो चुका है खाली दिसंबर की अगर बात की जाए तो ये मैं डेली ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूं कि जहां पिछले साल दोस्तों जो है या फरवरी में देखा जाए तो पिछले साल 24 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ था और इस बार फरवरी 2023 की बात की जाए तो दोस्तों 36 करोड़ रुपए डेली के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं डेली 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 वर्ड पे गौर कीजिएगा छत्तीस करोड़ डेली दोस्तों नो स्मोकिंग डे की थीम क्या है नो स्मोकिंग डे की थी मैं स्टॉप स्मोकिंग इम्प्रूव योर ब्रेन हेल्थ दोस्तों ये भी किसी सैटरडे वैटरडे को ही मनाया जाता है है ना मैंने आपको एक दो दिन पहले ही पढ़ाया है परसों पढ़ाया था कल तो मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैंने ऐसी मेडिसिन ले ली कि अलार्म बजता रहा तुम लोग के फ़ोन बजते रहे मैं उठा ही नहीं मैं उठा आठ बजे के बाद तो देख रहा हूँ अरे इतना बड़ा ब्लेंडर हो गया क्लासेस चल रही हैं मेरे बच्चे इंतजार किए और आके चले गए और कई फोन आए थे मेरे दोनों मोबाइल पे कॉल आई थी बच्चों के और मैं एकदम सोया हुआ हूँ ऐसा बहुत साल बाद ऐसा हुआ कि मैं सुबह की क्लास नहीं लिया हूँ सोने की वजह से दोस्तों वेयर वाज द फिफ्थ आशियान इंडिया बिजनेस समिट हेल्ड पांचवा आशियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया तो दोस्तों कुआलालमपुर में किया गया आशियान का हेडक्वार्टर दोस्तों जो है वो जकार्ता में है इंडोनेशिया में लेकिन दोस्तों ये मीटिंग क्वालमपुर मलेशिया में हुई है ये वही मलेशिया कोलालमपुर है जहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपना सेल्स और मार्केटिंग ऑफिस ओपन किया है कि नहीं तो बिल्कुल आठ मार्च को स्मोकिंग डे मनाया गया बिल्कुल सही कह रही है शिवांगी जिस दिन होली थी और दोस्तों उसी कोलालमपुर मलेशिया में गरुड़ एरोस्पेस ने भी अपनी जो है दोस्तों फैक्ट्री डाली है ड्रोन की दोस्तों आशियान का मेंबर इंडिया नहीं है आशियान में टेन मेंबर्स हैं वो वियतनाम और थाईलैंड यही सब हैं इंडोनेशिया इंडिया इसका मेंबर नहीं है लेकिन इंडिया के साथ ये अलग से मीटिंग करते हैं आशियान वाले क्योंकि आर समझौते पर इंडिया ने साइन नहीं किया था क्योंकि उसमें आर में चाइना भी एड हो गया था दोस्तों सतीश कौशिक जी का भी निधन हुआ है सिक्सटी ईयर के थे सिक्सटी सेवन ईयर भी कई जगह बता रहा है तो दोस्तों जो है एन एच डी और एफ टी आई आई जैसे संस्थान के दोस्तों जो है एक होनहार जो है दोस्तों कलाकार थे स्टूडेंट थे वहाँ से पढ़े हुए थे दोस्तों जो एक फेमस एक्टर भी थे डायरेक्टर भी थे ये दोस्तों एक फार्म हाउस पे विकास मालू की विवेक मालू कोई मालू हैं उनके फार्म हाउस पे थे दोस्तों और वहाँ पे दोस्तों जो भी ड्रग्स लिए हों जो भी दवाइयाँ ली हों पिया हो खाया हो दोस्तों बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स और जावेद अख्तर जैसे लोग भी उस होली में थे आठ तारीख को और उसके अगले दिन इनकी डेथ हो गई तो मालू की वाइफ ने आरोप लगाया है कि सतीस कौस्टिक इनसे पंद्रह करोड़ रुपए मांग रहे थे मेरे पति से तो मेरे पति ने इनको फार्म हाउस पे बुलाया होली पार्टी में इनको ऐसी दवाई दे दी जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई तो ये मर गए तो दोस्तों जो है ऐसे भी इस समय चल रहे हैं तो दोस्तों ये जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और दोस्तों एफ के पूर्व छात्र थे यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो दोस्तों बहुत अच्छी एक्टिंग भी करते थे मिस्टर इंडिया में देखिए कैलेंडर नाम से इन्होंने जो है एक्टिंग किया था है ना बहुत पुराने जमाने से एक्टिंग करते चले आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनिस अहमदाबाद की यात्रा पे क्यों गए तो दोस्तों इंडिया ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनिस दोस्तों अहमदाबाद की यात्रा पर इस लिए गए क्योंकि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी हो रही है दोस्तों वो हर साल होती है और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही प्रतिष्ठित दोस्तों ट्रॉफ़ी है जो कि किसके पास ये ट्रॉफ़ी रहेगी ये बहुत बड़ा विषय होता है तो फाइनल जो चल रहा था उसके टेस्ट मैच का उसके पहले दिन दोस्तों जो है आखिरी टेस्ट मैच के पहले दिन जो है ये पहुंचे थे एंथोनी एल्बनिस अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में और दोस्तों वहाँ पर मैच ड्रॉ हो गया पचहत्तरवा शतक विराट कोहली का लगा दोस्तों ठीक है और रविंद्र जडेजा अश्विन ने बहुत अच्छी बॉलिंग भी की मैच ड्रॉ हो गया मैच ड्रॉ हुआ लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया के हाथ में आ गई क्योंकि दो एक से इंडिया ने जीत लिया इस ट्रॉफी को पिछले साल भी इंडिया के पास ही थी इस बार भी इंडिया ने ने ही जीता है दोस्तों कल जीता है ये मैच ये टेस्ट मैच ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया तो एंथोनी एल्बनिस भी थे और दोस्तों नरेंद्र मोदी जी भी थे दोस्तों विच व्हाट टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर हैव बीन ऑर्डर्ड बाय इंडिया फ्रॉम एयरबस तो भारत ने एयरबस से किस प्रकार के हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया है दोस्तों तो दोस्तों जो है यहाँ पे ए सी एच वन सिक्सटी हेलीकॉप्टर का ऑर्डर एयरबस को दिया गया है दोस्तों यहाँ पे जो है अगर, अगर अपाचे और हेलीकॉप्टर की बात करें तो इसका ऑर्डर तो बोइंग के पास है ठीक है तो दोस्तों जो है अपाचे हेलीकॉप्टर टाटा बना रहा है अब बोइंग बोइंग के साथ मिलके अमेरिका की कंपनी है एयरबस के लिए दोस्तों फ्रांस से टाइप हुआ था अभी आपने याद किया हो तो एयर इंडिया ने जो है करीब 220 सौ बीस बोइंग ढाई सौ एयरबस से दोस्तों फ्लाइट खरीद रही है है ना और जिसके लिए रॉल्स रॉयल यूके से जो है इंजन के लिए टाइप किया गया है तो दोस्तों बहुत सारे जो है इंडिया जो है हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन में जेट प्लेन में निवेश कर रहा है फ्रांस कमा रहा है दोस्तों अमेरिका कमा रहा है सब एकदम कमा कमा के लाल है दोस्तों अभी एक आर के द्वारा 6 से 12 तारीख तक एक डिजिटल पेमेंट कैंपेन चलाया गया दोस्तों डिजिटल पेमेंट वीक मनाया गया दोस्तों 6 से 12 मार्च तक तो उस मिशन का नाम क्या था मिशन हर पेमेंट डिजिटल मिशन हर पेमेंट डिजिटल दोस्तों ठीक है क्लियर है औरों को भी सिखाओ सीखो और औरों को भी सिखाओ डिजिटल पेमेंट सीखो और औरों को भी सिखाओ ये दोस्तों जो है अमिताभ बच्चन भी इसके लिए ट्विटर कैंपेन चला रहे थे दोस्तों किस कंपनी ने 42 कार्ड सोलूशन के साथ साझेदारी में दोस्तों डी सी यू बी वीजा सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है तो दोस्तों ये सी यू बी कैथोलिक सिटी यूनियन बैंक ने किया दोस्तों आज मैंने बहुत सारे करंट अफेयर्स डिलीट किए हैं क्योंकि मुझे तीन दिन के पढ़ाने थे तो बहुत सारे फालतू करंट अफेयर्स मैंने डिलीट किए बहुत सारे इसलिए नंबरिंग आपको कुछ उल्टी सीधी दिखेगी क्योंकि भाई इसके बाद मैंने दो दिन के पढ़ाए देखे जैसे यहाँ फिफ्टी फोर नंबर दिख रहा है अभी कुछ देर बाद हो सकता है कि मैं बारह तारीख वाला जब पढ़ाऊंगा तो आपको जो है नंबरिंग कुछ अलग दिखेगी ठीक है तो इसलिए थोड़ा सा देखिए दिल्ली में दोस्तों जो है जो शराब घोटाला हुआ उसके लिए दोस्तों अब ई भी जो है कि दोस्तों उठा के लेके जा रही है मनीष सिसोदिया को लेकिन दोस्तों जो है यहाँ पर एक के कविता जी को नोटिस दिया गया वो के कविता जी कौन है भैया तो ये बीआरएस की एमएलसी है और बीआरएस यानी जिसका नाम टीआरएस था तेलंगाना की मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी है इसमें भी दोस्तों इनको भी ईडी ने जो है नोटिस भेजा है सोचिए तो दोस्तों बीआरएस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर शराब घोटाला किए शराब घोटाला क्या है दोस्तों कि जहां पे दोस्तों जो है अगर पाँच हजार करोड़ का शराब बिका तो तीन हजार करोड़ रुपए खाते में आते थे भारत सरकार के वहां पे दोस्तों बारह हजार करोड़ का बिक गया तो तीन सौ करोड़ भी खाते में नहीं आए भारत सरकार के जबकि जो शराब व्यापारियों के कमीशन को बढ़ा करके डबल ट्रिपल कर दिया गया तब भी दोस्तों नहीं आए तो मैं एक वीडियो भेजूंगा कि शराब घोटाला क्या है वो आप देखिएगा टेलीग्राम पे मैं भेजूंगा तो आपको पूरा मैटर समझ में आएगा ऐसे नहीं इनको सीबीआई और ईडी उठा के ले गई है पुख्ता सबूत है कि लोगों ने किस तरीके से दिल्ली के राजस्व में सरकारी खजाने में पैसे को जाने नहीं दिया और आपस में मिल बांट के खा लिए जबकि कमीशन डबल हो गया टैक्सेस डबल हो गए शराब महंगे हो गए हर मोहल्ले में दुकानें खुल गई मोहल्ला क्लिनिक भले नहीं खुला लेकिन हर मोहल्ले में शराब की दुकान जरूर खुल गई तो दोस्तों जो है और मनीष सिसोदिया जैसे किसी अपराधी के तरह एक दिन में पाँच पाँच सिम बदल रहे पांच पांच मोबाइल बदल रहे हैं जैसे कोई अपराधी हो जो कि भाग रहा हो कानून के डर से वो मोबाइल बदल बदल के बात कर है पांच पांच मोबाइल एक एक दिन में बदले जा रहे हैं पहले मानते थे लोग शरीफ आदमी उसको जिसका 20 साल से एक नंबर होता था और जो है उसको फ्रॉड माना जाता था जिसका नंबर बदल जाता था बार बार तो उस तरीके की फ्रॉडगिरी का काम कर रहे हो रहे हो या तो तुम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल होगी तुमको आईएसआई ट्रैक कर रहा है तुम जो है पाकिस्तान से बचना चाह रहे हो किसने उस बिल का स्वागत किया जो अमेरिका को चीनी स्वामित्व वाले वीडियो टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देगा बिल वुड अलाउ द यूनाइटेड स्टेट टू बैन वीडियो शेयरिंग एप तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए टिकटॉक पे प्रतिबंध तो भारत ने वैसे ही लगा दिया है भारत ने तो करीब 400-500 पांच ऐप चाइना के प्रतिबंधित कर रखे हैं वी चैट को भी प्रतिबंधित कर रखा है अब दोस्तों यूनाइटेड के जो अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जेक सुलिवन उन्होंने दोस्तों जो है टिकटॉक को वहां पे बैन करने की बात कही टिकटॉक दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप है दोस्तों यहाँ पे ये बात भी याद रखिएगा ठीक है, है क्लियर है बात समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त जैसे हमारे यहां नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं दोस्तों अजीत डोभाल वैसे ही दोस्तों जो है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जैक सुलिवन कौन है जैक सुलिवन है ये बात याद रखेंगे ओके okay? दोस्तों ब्रिटेन में जो है अवैध प्रवासन पर रोक लगाने की घोषणा किसने की है वो अनाउंस क्लैम्प डाउन ऑन इलीगल माइग्रेशन इन द यूके तो दोस्तों जो है ये ऋषि सुनक जो सत्तावनवे प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन के भारतीय मूल के पहले बने हैं अभी आयरलैंड के भी एक प्रधानमंत्री बने हैं लियो वराडिकर भारतीय मूल के बने वो क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था तो दो इंडियन मूल के दोस्तों अभी रिसेंट में में बने अभी प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों के राष्ट्रपति चंदिका प्रसाद सतोखी और गुरीनाम के दोस्तों जो है आरिफ अली न इरफान अली क्या नाम है उनका इरफान खान क्या नाम था जिसको जो है चीफ गेस्ट बनाया गया था एनआरआई डे पर इंडिया में तो दोस्तों फोर्टी फोर्थ जो रेजिंग डे इवेंट हुआ एन एस आई ए कैंपस में दोस्तों उसकी जो है विशेषता क्या थी उस कार्यक्रम की जो सी आई एस एफ का जो दोस्तों जो है स्थापना दिवस मनाया गया नाइनटीन सिक्सटी नाइन में आई थी फिफ्टी फोर्थ स्थापना दिवस मनाया गया सी आई एस एफ का तो दोस्तों इसमें जो मेन आकर्षण था वो ये था कि कलारी पयट्टू डिमोस्ट्रेशन किया गया था कला का जो ऑल वीमेन टीम के द्वारा किया गया था महिलाओं के दस्ते के द्वारा दोस्तों इसका डिमोस्ट्रेशन किया गया था ठीक है कलारी पयट्टू प्रदर्शन ठीक है क्लियर है कलारी पयट्टू क्या है भारत का एक मार्शल आर्ट है दोस्तों ठीक है क्लियर है चलिए वेरी गुड तो दोस्तों महिलाओं ने क्या किया तो महिलाओं ने दोस्तों वड्डी यानी लॉन्ग स्टिक वड्डी यानी शॉर्ट स्टिक और चेरमा कुमकंबू यानी नैरो स्टिक और फायर के साथ दोस्तों इस मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया था दोस्तों अभी सीआरपीएफ के ऊंट दस्ते ने पहली बार महिलाओं की टीम ने दोस्तों जो है रिपब्लिक डे पे परेड में भी हिस्सा लिया था वो भी एक बहुत बड़ी थी दोस्तों कोविड हिप समस्या क्या है आजकल आप लोग एक देख रहे होंगे आपने माता पिता में दादा दादी में चाचा चाची में या अपने भैया भाभी में भी आप देख रहे होंगे कि आजकल एक उठने के बाद उनके जोड़ों में दर्द रहता है हिप में दर्द रहता है कूलों में दर्द रहता है और वो जो है कुछ देर तक अकड़ के चलते हैं कुछ देर तक दोस्तों जो है अकड़ के चलते हैं तो ये कुछ दूर उनका दर्द कर रहा है जॉइंट जिसकी वजह से कुछ दूर तक दोस्तों वो सीधे नहीं हो रहे थोड़ा सा अकड़ के चल रहे लंगड़ा के चल रहे फिर कुछ दूर चलने के बाद वो सही हो जा रहे हैं तो ये एक कंडीशन है कंडीशन वेयर द हिप बिकम डिसलोकेटेड ड्यू टू कोविड नाइन्टीन इन्फेक्शन तो जो कोविड नाइन्टीन से संक्रमित लोग रहे हैं जो जिनको कोविड बीमारी हुई थी पोस्ट कोविड बहुत सारे इफेक्ट्स उनके शरीर में आए हैं तो उसमें से दोस्तों लोगों की कुछ मेंटल स्थिति भी गड़बड़ाई है कुछ लोगों के हेल्थ प्रॉब्लम कुछ लोग का लीवर कुछ लोग का फेफड़ा कुछ लोग का हार्ट कुछ लोग कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है हार्ट अटैक हो जा रहा है बहुत तो ये जो कुछ तो वैक्सीन का कमाल है कुछ उस समय के दिए गए स्टोरॉयड का कमाल है फ्लेवी पिरावीर का कमाल है और कुछ इस वायरस का भी कमाल है ठीक है क्लियर है तो बात ये जो है याद है कि रोगी के कूले में दर्द अकड़न का अनुभव होता है जिससे उठना और सीढ़ी चलना मुश्किल हो जाता है तो आप लोग के यहां भी किसी को ऐसी प्रॉब्लम हुई है क्या कोविड के बाद बताइए दोस्तों क्योंकि मुझे तो हुई है भाई मुझे तो बहुत भयानक कोरोना हुआ था तो मुझे तो प्रॉब्लम होती है उठने के बाद दोस्तों कंट्री होस्टेड द द थर्ड सेशन ऑफ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इसीलिए तो मैं एक्सरसाइज करता हूं पूरा उठ के पहले एक एक जोड़ जो है पहले जब तक न खोलू जब तक एक्सरसाइज ना करूं तब तक पूरा दर्द करता रहता है तो दोस्तों जो है नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कि दोस्तों थर्ड सेशन को जो है मेजबानी जो है वो इंडिया ने की है किसने की है इंडिया ने की है ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए भी आज कुछ ज्यादा करंट अफेयर्स इसलिए भी हैं दोस्तों क्योंकि मैं दो दिन का पढ़ा रहा हूं बल्कि तीन दिन का पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बीच में संडे भी पड़ गया था कल मैंने पढ़ाया नहीं था दोस्तों प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अब कौन कौन से दोस्तों और एक नई चीज जुड़ गई है दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग क्या है मनी लॉन्ड्रिंग मतलब काले धन को सफेद करना जैसे लॉन्ड्री में काला कपड़ा सफेद हो जाता है तो दोस्तों प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के हिसाब से ही केवासी नॉम्स का पालन इंश्योरेंस कंपनियां और बैंक्स करते हैं केवाईसी नॉर्म्स में आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ फोटो और आधार कार्ड लिए जाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में दोस्तों तीन लेयर होते हैं प्लेसमेंट और दोस्तों लेयरिंग और इंटीग्रेशन पहले ब्लैक मनी को कहीं प्लेस किया जाता है फिर उसके बाद इधर उधर घुमाया जाता है लेयरिंग की जाती है और फिर इकोनॉमी में इंटीग्रेट करके अकाउंट में ले लिया जाता है काला धन सफेद हो जाता है तो दोस्तों जो है इस में अब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को भी शामिल कर लिया गया है यानी काला धन सफेद करने की प्रक्रिया में अब लोग क्रिप्टो करेंसी में भी निवेश कर रहे हैं तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को भी इंक्लूड कर लिया गया है में दोस्तों बात याद रखिएगा यानी अब इसमें जो है दोस्तों ब्लैक मनी वाले केस में दोस्तों भी आ जाएगा ओके okay, क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त ठीक है, है? दोस्तों कल एक बहुत बढ़िया हुआ कि 45 साल के इतिहास में दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि पहली बार कल लोकसभा और राज्यसभा को सत्ता पक्ष ने नहीं, नहीं चलने दिया पहली बार दोस्तों जो है कांग्रेस के जो है हमले को भाजपा ने दोस्तों जो है ध्वस्त किया और भाजपा ने कल बहुत बवाल काटा लोकसभा राज्यसभा में कि राहुल गांधी माफी मांगो राहुल गांधी माफी मांगो तुम दुनिया के प्लेटफॉर्म पे जाके कैम्ब्रिज जैसे प्लेटफॉर्म पे जाकर के तुम क्या कर रहे हो तुम भारत की संसद को बदनाम कर रहे हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए तुमको बोलने का जब इतना मौका दिया जाता है ओम प्रकाश बिड़ला के द्वारा तब तुम कहते हो कि मेरा जो है संसद में माइक बंद कर दिया जाता है हमको बोलने नहीं दिया जाता है जब अधीर रंजन चौधरी पूरा उठ उठ, उठ के चिल्लाते रहते हैं जो लोकसभा में विपक्ष के नेता है उन वहां पे बोला जा रहा है सबको माइक नहीं बंद करेंगे तो सब वहां पे मछली बाजार नहीं बन जाएगा भाई जिसकी बोलने की बारी है वही बोलेगा कि जिसकी बोलने की बारी है नहीं है उसको बोलेगा ये खुद को तो अपोजिशन का लीडर अधीर रंजन चौधरी को बनाए हैं और समझते हैं खुद को अपने आप को अपोजिशन का लीडर ये कैम्ब्रिज में भी जाके बोल रहे कि हम अपोजिशन के लीडर हैं भाई तुम नहीं हो अपोजिशन के लीडर तुम एक आम सांसद हो आम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो मेरे भाई तुम पहले अपनी अपने आप को समझो तुम ना कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं हो अब तो तो तुमको क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी तुम एक आम सांसद हो सांसद हो और हर सांसद को मौका थोड़ी दिया जाता है बोलने का कि फिर मछली बाजार हो जाएगा जो मेन नेता है केवल उनको बोलने का मौका दिया जाता है हर बात पे दोस्तों विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स द स्वदेश दर्शन 2.0 प्रोग्राम कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्वदेश दर्शन 2.0 प्रोग्राम को लागू करता है तो दोस्तों ये टूरिज्म मिनिस्ट्री जो है लागू कर रहा है स्वदेश दर्शन टू पॉइंट जीरो प्रोग्राम को कौन लागू कर रहा है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों नासा के क्यूरसिटी रोवर ने हाल ही में किस ग्रह पर दोस्तों क्रेप्यूस्कुलर रेज यानी गोदुली किरणों को पकड़ा है तो दोस्तों नासा का क्यूरोसिटी रोवर पहली बात तो है कहाँ पे मार्स में मार्स का में दोस्तों परसिवरेंस मिशन गया था जिसको हेड एक इंडियन बिंदी लड़की ने किया था जिसका नाम था स्वाति मोहन तो दोस्तों ये क्यूरोसिटी रोवर किससे रिलेटेड है मार्स मिशन से मार्स मिशन का क्या नाम था परसिवरेंस उसकी हेड कौन थी दोस्तों उसकी हेड थी स्वाति मोहन क्या बात है ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया तो दोस्तों रोवर क्या है एक एक्सपेरिमेंट दोस्तों जो है रोबोट होता है जिसमें पहिए लगे होते हैं जो दोस्तों मंगल ग्रह पे टहल टहल के परीक्षण कर रहा है कहीं वहाँ से सन का फोटो भेज रहा है कहीं वहाँ से दोस्तों जो है सैंपल्स भेज रहा है सारी चीजों की दोस्तों जो है परीक्षण कर रहा है कि क्या क्या यहाँ पे पानी है कहाँ पे कौन सा दोस्तों जो है मिनरल है क्या क्या चीजें हैं मिट्टी में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड दोस्तों इसके नए हेड कौन बना दिए गए दोस्तों यूनि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड भारत की सबसे बड़े एफ कंपनी थी इसको किसने पीछे किया बता सकते हैं तो दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए हेड रोहित जावा बने हैं कौन बने हैं रोहित जावा बने हैं दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए हेड ओके क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया दोस्तों नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक एज गुड एज माय वर्ड एड्स गुड एज माय वर्ल्ड के बुक के लेखक है दोस्तों के एम चंद्रशेखर अससी थरू ने दोस्तों इसके जो है बुक पे के दोस्तों जो है कवर पेज पे लिखा है रिचली डिटेल्ड मेमोयर रिककाउंटिंग के एम चंद्रशेखरस लॉन्ग एंड डिस्टिंग्विश्ड करियर एज अ सिविल सर्वेंट एंड डिप्लोमेट सिविल सर्वेंट डिप्लोमेट के रूप में दोस्तों ये उनके जो संस्मरण है बहुत अच्छे जो है दोस्तों लोगों को जो है एक तरीके से प्रेरणा देंगे काम करने के दोस्तों हाल ही में 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 सरकार ने निम्नलिखित से किस एक्ट में क्रिप्टो करेंसी में व्यापार को शामिल करने की घोषणा की रिसेंटली द द गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू कवर ट्रेड इन इन क्रिप्टो करेंसीज ऑफ फॉलोइंग एक्ट तो पीएमएलए एक्ट में दोस्तों जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को भी के ट्रेड को भी एड कर दिया गया अभी कुछ साल पहले बजट में दोस्तों पिछले साल के पिछले साल यानी इस साल के पहले वाले बजट में दोस्तों क्रिप्टो करेंसी पे डिजिटल एसेट पे दोस्तों जो है आपकी टीडीएस लगाया गया था याद हो तो आपको टी डी एस और थर्टी परसेंट इनकम टैक्स लगाया गया था दोस्तों नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है नेफ्यू रियो ने नागालैंड में दोस्तों ऐतिहासिक जीत भाजपा को मिली है दोस्तों और जो है लेकिन एनडीपीपी के नेता नेफ्यू रियो ने दोस्तों जो है यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री रूप में शपथ ली है ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया दोस्तों मैंने बोला था कि हर क्वेश्चन का जवाब मैं आखिरी में दूंगा तो दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जज जो है वो 10 मार्च को था 8 मार्च को दोस्तों महिला दिवस था लेकिन महिला न्यायाधीशों का जो दिवस था वो 10 मार्च को था दोस्तों जिस दिन सीआईएसएफ का रेजिंग डे स्थापना दिवस भी था ठीक है क्लियर है वीमेन जज का इंटरनेशनल डे दोस्तों इस बार की जो इंटरनेशनल डे ऑफ जज है उसकी थीम क्या है मैंने बोला था कि मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो इसका आंसर भी दूंगा तो दोस्तों वीमेन इन जस्टिस विमेन फॉर जस्टिस वीमेन इन जस्टिस विमेन फॉर जस्टिस तो दोस्तों जो है महिला ही जज है और महिलाओं के लिए ही दोस्तों वो बैठी है वहां पे तो ये दोस्तों जो है थीम रही है इसकी दोस्तों वर्ल्ड किडनी डे मैंने आपको बोला था कि मैं इसको भी बताऊंगा मैंने आपसे पूछा था कि वर्ल्ड किडनी डे की थीम क्या है बताइए आप लोग वर्ल्ड किडनी डे दोस्तों जो सेकेंड थर्सडे को मनाया गया मार्च में दोस्तों वो है उसकी थीम किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन प्रिपेयरिंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड सपोर्टिंग द वल्नरेबल वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर ठीक है क्लियर है चलिए वेरी गुड तो किडनी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों भारत का डिजिटल पेमेंट मार्केट जो कि 36 करोड़ रुपए पर डे का हो गया है दोस्तों यूपीआई डिजिटल पेमेंट मार्केट दोस्तों 10 ट्रिलियन का कब तक हो जाएगा दोस्तों क्योंकि ये डिजिटल पेमेंट की बात क्यों रही क्योंकि 6 से 12 तारीख तक डिजिटल पेमेंट वीक मनाया गया है दोस्तों ठीक है हर पेमेंट डिजिटल कैंपेन चलाया गया आरबीआई के द्वारा इसलिए ये सारी बातें चल रही है तो दो तक तीन गुने से अधिक हो जाएगा टेन ट्रिलियन का हो जाएगा ठीक है

और 9 मार्च को जो है ये वर्ल्ड किडनी डे था ठीक है है ना यही था ना क्यों बताओ चलो वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से हम लोगों ने करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया मैंने आपसे कहा था कि मैं कोई भी करंट अफेयर आपका छूटने नहीं दूंगा भले अपनी क्लास कल नहीं हो पाई थी क्योंकि कल मैंने जो है जो भी दवा एलर्जी की ली थी उसमें नींद का इफेक्ट था और कल मैं उठ ही नहीं पाया कल मैं जब उठ रहा हूँ तो देख रहा हूँ अलार्म बजे हुए हैं सारे बच्चों के फ़ोन आए हुए हैं दोनों मोबाइल पे और मैं आठ बजे उठ रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि बच्चे इतना वेट किए तो भाई आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ जिन लोगों ने कल अपने कीमती आधे घंटे एक घंटे बर्बाद किए मेरा वेट करने में और क्योंकि तो भाई मैं अक्सर जो है मुझे लेक्चर नहीं लेना होता तो, तो इवेंट प्राइवेट हो जाता है तो कल तो मैं उठा ही नहीं थी इवेंट प्राइवेट करूं या तो मैं इन्फॉर्म कर दूं कि भाई तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो क्लास नहीं हो पाएगी मेरी तबीयत नहीं सही है मैं उठा ही आठ बजे तो मैं देख रहा हूं कि अरे ये क्या, क्या? बच्चे आए होंगे दो घंटे से आ करके इसी पे वेट कर रहे होंगे तो भाई उसके लिए जो है भाई मैं जो है आप लोगों से तह दिल से जो है माफ़ी मांगता हूँ लेकिन जो है ऐसी गलती कभी हुई नहीं डेली करेंट अफेयर के शो में तो कभी नहीं हुई क्योंकि तो मैं डेली करंट अफेयर का शो जीते मरते हर हाल में सुबह सुबह लेता हूँ ये कभी नहीं रुकता क्योंकि यही तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि भाई करंट अफेयर एक दिन का छूट जाए तो देखो साढ़े सात बजे तक मैं पढ़ा रहा हूँ एक दिन का छूट जाए तो दोस्तों कितना बड़ा जो है कि एक गैप बन जाता है तो यहाँ तो दोस्तों जो है दो दिन का छूट गया था तो इसलिए जो है कभी भी आप भी मत छोड़िए इस करेंट अफेयर शो को चाहे एग्ज़ाम हो ना हो नोटिफिकेशन हो ना हो ये आपके ज़िंदगी का पार्ट होना चाहिए जैसे यहाँ पे आप शिवानी को देख रहे हैं शिवानी का दोस्तों एस बे क्लर्क भी हो गया ईएसआईसी में जॉब कर रही है लेकिन देखिए रोज आती है, है कि नहीं रोज़ आती है तो इसलिए जो है दोस्तों जो है आपके सेलेक्शन भी हो जाए तो आपको इस को जरूर करना है क्यों क्योंकि आपको आई बनना है आपको ये छोटे मोटे बाबू क्लर्क बन के खुश नहीं होना है आप जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तुम्हारे अंदर असीमित पोटेंशियल है तुमको उस पोटेंशियल का यूज करना है और तुमको बड़ी से बड़ी पोस्ट पे जाना कर नेवर बी सेटिस्फाइड जिंदगी में कभी सेटिस्फाइड मत होना कि मैंने ये बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया ये कर लिया दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ ये नहीं हुआ दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ कि हो गया तो भी ये मेरी लाइफ नहीं थी पार्ट ऑफ लाइफ था ये नहीं हुआ तो भी मेरी लाइफ नहीं चली गई ये मेरा पार्ट ऑफ लाइफ था जो तो चला गया दूसरी चीज है बहुत कुछ है जिंदगी में भाई करने को एक इंडस्ट्रियलिस्ट कितनी इंडस्ट्री खोल देता है कितने सेक्टर में होता है एक देखो अरविंद केजरीवाल जो आईआईटी पढ़ लिया तो मोक्ष की प्राप्ति मान लेते लोग आईआईटी के बाद आई निकाला इनकम टैक्स कमिश्नर की पोस्ट छोड़ दी मदर टेरेसा सेवा किया एनजीओ केजरीवाल ने RTA एक्टिविस्ट बना सूचना के अधिकार में ने कितने मंत्रियों को जेल पहुंचा दिया रेमन मैक्स से अवार्ड पाया अरविंद केजरीवाल ने एशिया का नोबेल नहीं वह बंदा आंदोलन खड़ा किया कांग्रेस के खिलाफ मुख्यमंत्री बना दिल्ली में मुख्यमंत्री बना पंजाब में सरकार बनाई दोस्तों सेटिस्फाइड अभी भी नहीं है प्रधानमंत्री बनेगा एक दिन वो बंदा देखो वो ठीक है कि उसका जो ईमानदारी वाली बात है वो ईमानदार तो नहीं है मतलब केजरीवाल ईमानदार है लेकिन बेईमानी दूसरे से करवाते हैं मनीष सिसोदिया से करवाएंगे अपनी कलम नहीं फंसते कोई मंत्रालय हम अपने पास नहीं है अठारह मंत्रालय मनीष सिसोदिया को दे दिए कि बेटा तुम फंसो उप मुख्यमंत्री वो बनकर बना दिया सारा काम उनसे करवाते अपने जाके देश भर की राजनीति करते पिक्चर देखते हैं अरविंद केजरीवाल का क्या काम है कोई साइन नहीं करना मूवी का रिव्यू देते हैं मस्त जिंदगी जी रहा काम धाम नहीं देखो ये भी होता है काम धाम नहीं करना हमको हमारा दिमाग है ब्रेन का खाता है बंदा मास्टर माइंड है उस बात को बड़े अच्छे ढंग से बोलता है कि उसकी बात को लगता है यार यही तो कट्टर ईमानदार आदमी है जबकि शराब घोटाले में सबसे कट्टर बेईमानी भाई साहब हुई है जहां तीन हजार करोड़ रुपए खजाने में आते थे वहां नई आबकारी नीति के बाद नई एक्साइज पॉलिसी के बाद तीन सौ करोड़ भी नहीं आए सोचो जबकि नई एक्साइज पॉलिसी में टर्न ओवर थ्री टाइम्स हो गया कम, कमीशन जो है थ्री टाइम्स हो गया और जो रेवेन्यू आना चाहिए था उसमें वो टेन केवल टेन परसेंट रह गया हजार करोड़ से तीन सौ करोड़ तो बाकी पैसे कितने बड़े घोटाले हुए सोचिए तो खैर और हमेशा की तैयारी तो में कभी नहीं है, ठीक है? चलो केयर खुश रहिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए व्यस्त केयर लव ऑल लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाओ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है कि शेयर करो कल रात को मैंने वीडियो जो भेजा था जनवरी मंथली करंट अफेयर का उसमें बहुत सारे सेलेक्टेड बच्चों के रिव्यू थे उसको जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ज़्यादा ज़्यादा लोगों को बताओ कि भाई इस चैनल पे जो है आपको जो है आपको जो चाहिए वो सारी चीज़ें जीए की मिलेंगी आपको एग्जाम की जबरदस्त तैयारी कराई जाएगी ठीक है चलिए ओके बाय खुश रहो मस्त रहो बाय हैव अ नाइस डे लव यू